नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी और उस पर रूप मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे सोने और चांदी में। तो नॉन एग्री में सोने चांदी में देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो चमक है लगातार बढ़ती ही जा रही है। सोना चांदी एक के बाद एक नए रिकॉर्ड हाई लगाता नजर आ रहा है, अपने उच्चतम स्तर के बेहद करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है। गोल्ड देख रहे हैं कि 2064 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1% की बढ़त है। सिल्वर $27.3 पर ट्रेड कर रहा है, 1.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर अपने रिकॉर्ड हाई से बस कुछ ही पॉइंट की दूरी पर है। गोल्ड ने साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान $2,075 का हाई लगाया था, अब $2,065 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। मात्र $10 की दूरी है नया रिकॉर्ड अपने पुराने रिकॉर्ड को छूने से और नया रिकॉर्ड बनने से। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर गोल्ड सिल्वर क्या यहां से अभी और तेजी की ओर जाएंगे, क्या गोल्ड यहां से एक नया उच्चतम स्तर फिर दिखाएगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी देख रहे हैं कि गोल्ड जो 2020 में $2,075 का लेवल दिखा चुका था, अब उसके बेहद करीब आ चुका है। $2,065 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है इस वक्त, मात्र 10 पॉइंट की दूरी है रिकॉर्ड हाई टच करने से एक बार फिर से। आपको क्या लगता है, क्या सोना एक बार फिर से नया उच्चतम स्तर बनाने के लिए तैयार हो चुका है यहां से? देखिए बिल्कुल, जो ये तेजी है ये कंटिन्यूशन में है अखिलेश, और जिस तरीके से अभी रशियन ऑयल इंपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है और उसका सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ने वाला, और इन्फ्लेशन के चलते गोल्ड के अंदर डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, स्टील फेमन डिमांड, और इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टर्स का रुझान जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बढ़िया एसेट क्लास अभी ये माना जा रहा है। और जो हाई है अब बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ये जो पीछे हाई लगे थे वो हाई ब्रेक होते हुए नजर आ सकते हैं। सोना जो है वो 56,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कल एक अच्छी रैली आई है, देर शाम हमने देखा था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $2,075 के ऊपर ट्रेड होते हुए सोना दिखाई दिया, और अभी भी मार्केट काफी अच्छी तेजी के साथ अब $2,100 का लेवल छूटा हुआ नजर आ सकता है। और हमारे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 56,600 से लेकर 56,800 की फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। और वहीं अगर यहाँ पर चांदी को देखें तो अखिलेश मुझे लगता है कि चांदी भी 75,000 का स्तर छूती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अभी सभी जगह पर अगर देखा जाए जो अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है उसकी वजह से सभी का रुझान अभी फिलहाल जो इन्वेस्टर्स है जो बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स है वो सब सोने और चांदी में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी भी पोटेंशियल है सोने के अंदर, और 56,000 का स्तर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दिखला सकती है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से सोने चांदी में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से रूपा जी के अनुसार सोना चांदी आने वाले समय में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सोने चांदी को नया रिकॉर्ड हासिल करने में। 2020 में सोने ने इंटरनेशनल मार्केट में 2075 और डोमेस्टिक मार्केट MCX पर 56,200 का रिकॉर्ड हाई बनाया था, अब उनके बेहद करीब ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे भी पूरी पूरी आशंकाएं बन रही हैं, ऐसे पूरी संभावना है कि सोना अपने ये जो रिकॉर्ड हाई है वो तोड़ के एक नया रिकॉर्ड हाई और बना दे। रूपा जी ऐसी भी खबरें हैं कि रशिया बाकी देश रशिया को तो रशिया पर प्रतिबंध लगा ही रहे हैं, कभी ये बैन कभी वो बैन, पहले स्विफ्ट से बाहर किया गया स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से, उसके बाद कच्चे तेल खरीदने से परहेज किया गया, फिर और भी प्रतिबंध लगाए गए जहां जहां रशियन कंपनीज थी उनके ऊपर। अब रशिया ने भी एक फैसला ले लिया है कि रशिया भी बाहर से होने वाले इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाएगा और एक्सपोर्ट पर भी। तो ऐसे में भारत जो इतना बड़ा वहां से फर्टिलाइजर का इंपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल के लिए भी निर्भर है, और यूरोपियन कंट्रीज भी मैक्सिमम रशिया पर ही डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के लिए, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर क्रूड की भी कीमत और बढ़ती है तो क्या सोने चांदी की फिर से सेफ हेवन डिमांड और बढ़ सकती है? देखिए बिल्कुल, सोने और चांदी की डिमांड तो लगातार बढ़ती ही दिखाई देगी, क्योंकि आज रूस ने सीज फायर का भी ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये अब जो युद्ध है ये गहराता नजर आ रहा है, फिलहाल कोई रिलैक्सेशन दिखाई नहीं दे रही है, सभी देशों जो है मिलकर
काफी हद तक जो है इस स्थिति का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और रूस की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं, इसके चलते लग रहा है कि अभी और ज्यादा स्थितियां गंभीर होती हुई दिखाई दे सकती हैं और इसका सीधा असर जो है वो आम आदमी के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, कमोडिटी मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, बाजारों में लगातार उछाल जो है वो बना रह सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ती आप देखेंगे सेक्टर, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो फिलहाल सोने और चांदी में ही आती दिखाई दे रही है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स ऑलरेडी गिरावट की तरफ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में सोना बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इस रैली के दौरान अगर 56,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आई सोना तो 58,000 से 60,000 के भी सर छूता दिखाई दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इस तरीके से ये सिनेरियो और ज्यादा खराब होता हुआ दिखाई दिया तो। जी रूपा जी, गोल्ड सिल्वर में हमने देखा है कि अक्सर ऊंची स्तरों पर भले ही वायदा के अंदर इक्विटी मार्केट्स में गोल्ड में तेजी देखने को मिलती हो, लेकिन इसका थोड़ा बहुत नुकसान हाजिर कारोबारियों को भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऊंची दरों पर हर कोई सोना बेचने से सोना खरीदने से बचता है। अगर कोई कंज्यूमर है तो वो जितना सोना पहले खरीदना चाहता था, अब सोने की कीमतों बढ़ने के चक्कर में वो उतना सोना नहीं खरीद पाता है, जिसकी वजह से उनको जो हाजिर कारोबारी है उनको अपना सोना डिस्काउंट पर बेचना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे में हाजिर कारोबारियों को भी मुनाफा हो सकता है सोने चांदी के अंदर? क्या हाजिर कारोबारियों को आगे डिस्काउंट पर ही बेचना पड़ेगा, या फिर ये जो वायदा में तेजी है उसका फायदा हाजिर कारोबारियों को भी मिलेगा? देखिए जहां तक इन्वेस्टर की बात है, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर की बात है, वो डेफिनेटली एंड कंज्यूमर जो है जब प्राइसेस हाई हो जाते हैं तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ जहां तक हाजिर कारोबारियों का बात है उनके पास ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ होता है और वो डेली बेसिस पर भी हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर लगातार बाइंग करते दिखाई देते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा कोई नुकसान होता है, क्योंकि उनके पास काफी इन्वेंट्री भी बिल्डअप होती है जो काफी निचले स्तरों पर बाइंग की हुई होती है। अब इस टाइम पर क्योंकि देखिए एंड कंज्यूमर की डिमांड तो कम रहती है, ये इन्वेस्टर्स की बाइंग है, यहाँ पर जो तेजी देखने को मिल रही है ये इन्वेस्टर्स की बाइंग की वजह से बाजारों में एक उछाल दर्ज किया जा रहा है, लेकिन जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है उनके लिए काफी बेनिफिट रहता है ये, इसमें बहुत ज्यादा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ डिस्काउंट पर हो सकता है कि वहां पर माल थोड़ा बहुत हाजिर बाजारों में निकालना पड़ता है क्योंकि डिमांड को जनरेट करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा कोई डिस्काउंट नहीं रहता है प्राइसेस के अंदर, और अभी जो सिनेरियो है इस सिनेरियो में तो फिलहाल मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी ही ज्यादा दिखाई दे रही है सोने और चांदी के अंदर, और प्राइसेस में कहीं भी कोई ईज ऑफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी ये से रूपा जी रुख करें अगर कच्चे तेल की तरफ, तो कच्चे तेल में भी देख रहे हैं आज भी लगातार बढ़त का दौर जारी है, जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है तब से लेकर अब तक कच्चे तेल ने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। कच्चे तेल में 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर काफी शानदार बढ़त देखने को मिली है, वो दौर देख रहे हैं आज भी जारी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल देख रहे हैं 2.5% की तेजी के साथ $131 के ऊपर है, वहीं WTI $126 के ऊपर। रूपा जी कच्चे तेल में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से रशिया पर बैन लगाया जा रहा है तो ऐसा करना क्या सही रहेगा बाकी देशों के लिए, क्योंकि अगर रशिया को फाइनेंशियली चोट पहुंचा भी दी जाए तो बाकी जो अर्थव्यवस्था है बाकी देशों की जो प्रतिबंध लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो अपना कच्चा तेल खरीदेंगे ही, और अगर कच्चा तेल खरीदते हैं तो वो महंगा पड़ेगा, और ऑयल रिजर्व्स भी किसी भी देश के पास इतने नहीं है कि हमेशा के लिए ही पूरी जिंदगी भर के लिए जो कच्चा तेल है उसकी सप्लाई होती रहे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कच्चे तेल में यहां से अब कितनी मंदी तेजी है और सिनेरियोस क्या रहने वाले हैं, फंडामेंटल्स क्या रहने वाले हैं अब? देखिए अखिलेश जहां तक कच्चे तेल के फंडामेंटल्स की बात है, सप्लाई देखिए पहले भी कम थी और अब जो ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इस स्थिति के मद्देनजर रूस जो है वो नीचे आने को तैयार नहीं है, यानी कि उसका नरमी का रुख अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको सबक सिखाने के लिए सभी देशों की तरफ से जो ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, अगर रूस की इकोनॉमी को इफेक्ट किया जाता है डेफिनेटली दूसरे देशों की इकोनॉमी के ऊपर भी इसका असर आता हुआ दिखाई देगा। और जो ये तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों में कई तरह के रूस के ऊपर और भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, और अभी फिलहाल क्रूड की सप्लाई जो है वो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बनती हुई दिखाई दे रही है, और रूस का हिस्सा ग्लोबली सप्लाई में बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से जो है ये प्राइसेस के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है, और अब जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उस सिनेरियो के चलते अभी यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई जल्द खत्म होने के फिलहाल कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है नेताओं के बीच में लेकिन अभी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है,
क्योंकि रूस अपने रुख में नरमी दिखाने को फिलहाल तैयार नहीं है। तो उधर यूक्रेन के लोग भी पूरी तरह से जो है अपने राष्ट्रपति के साथ हैं और रूस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई भी हल निकलता दिखाई नहीं दिया। और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि रूस की इकोनॉमी के ऊपर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा और उसके साथ जो है दूसरे देशों की इकोनॉमी के ऊपर भी असर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूती दिखाई देंगी और उससे उसके चलते रोजमर्रा की चीजें जो है दैनिक रूटीन की जो चीजें हैं वो महंगी होती हुई दिखाई देंगी। तो फिलहाल जो है इकोनॉमी के ऊपर बुरी तरह से असर आता हुआ दिखाई दे सकता है और अगर स्थितियां और गहराती हैं तो कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। और इसका असर कच्चे तेल पर तेजी का है, फिलहाल कच्चा तेल $135 से $140 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि कच्चे तेल जब महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं और अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होती है, जिसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं वो उन पर असर पड़ता है। रूपा जी, खबरें निकल के सामने आ रही है कि अभी जो चुनाव है उसके चलते कच्चे तेल की पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस हैं भारत के अंदर वो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, जो पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां हैं उन पर अभी दबाव बना हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ाने का, और उनकी तरफ से ही ये बयान निकल के सामने आया है कि अभी करंट प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के देखने को मिल रहे हैं और जिस दाम पर वो कच्चे तेल वो पेट्रोल डीजल अभी मार्केट में बेचा जा रहा है उसमें मुनाफा जो है उसमें 15 रुपये के आसपास का डिफरेंस है, यानी कि अभी पेट्रोल डीजल की कंपनियों को घाटे में पेट्रोल डीजल बेचना पड़ रहा है इतने लंबे समय से। आपको क्या लगता है, अगर जैसे ही एक बार चुनाव खत्म होते हैं और कंपनियों को एक बहाना मिलता है अपने पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ाने का, तो करंट मार्केट को देखते हुए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कितने और ऊपर जा सकते हैं? देखिए प्राइसेस तो ऊपर जाते ही दिखाई देंगे और बिल्कुल इलेक्शन की वजह से अभी यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस में उछाल नहीं देखने को मिला है, लेकिन आगे चलकर अभी जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद डेफिनेटली कच्चे तेल के साथ साथ जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी उछाल आता हुआ दिखाई देगा। लगातार दुनिया भर में भी फिलहाल जो है वो तेल की कीमतें तेज होती हुई नजर आएंगी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। अभी शेल का भी एक बड़ा फैसला निकल कर आया है कि वो रूस से कच्चा तेल और नेचुरल गैस जो है फिलहाल नहीं खरीदेगा, तो एनर्जी का संकट फिलहाल गहराता हुआ दिखाई दे रहा है सभी कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि रूस जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं वो काफी गंभीर है और इससे चलते पेट्रोल डीजल कच्चा तेल सब चीजें फिलहाल महंगी होती दिखाई देंगी। जी रूपा जी, क्रूड में भी हमने देखा है कि जो ओपेक प्लस है वो भी प्रोडक्शन बढ़ाने को अभी तैयार नहीं है। ओपेक का कहना है कि वो अपने पुराने प्लान पर ही स्टिक टू रहेंगे और उधर से जो अमेरिका है और उसके यूरोपीय सहयोगी देश हैं उन्होंने रशिया के एक्सपोर्ट का क्रूड एक्सपोर्ट पर बैन लगा दी है कि वो कहीं से भी कच्चा तेल रशिया से नहीं खरीदेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब अमेरिका जो धीरे धीरे यहाँ से क्रूड की बढ़ी हुई मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और ओपेक ऐसे में उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या आने वाले समय में इससे क्रूड के क्राइसिस पैदा हो सकते हैं? देखिए क्राइसिस तो अभी भी दिखाई दे रहा है, गहराता हुआ दिखाई दे रहा है दुनिया भर में जिस तरीके की डिमांड निकल रही है और सप्लाई है नहीं। और बिल्कुल ओपेक देशों को मुझे लगता है कि अगर अब ओपेक की मीटिंग होती है तो मे भी कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाए प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर, क्योंकि अभी स्थिति पहले भी स्थिति सप्लाई को लेकर चिंता थी और अब तो स्थिति और ज्यादा गहरा गई है। तो ऐसे में हो सकता है कि ओपेक देशों की तरफ से कुछ नरमी का रुख आए और सप्लाई को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आए, लेकिन फिलहाल के लिए क्रूड की जो स्थिति है वो डेफिनेटली अगर यहाँ से क्रूड और ज्यादा तेज होता है तो और ज्यादा इकोनॉमी के लिए अब जो है वो नुकसान वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि $125-$127 पर क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ब्रेंट जो है वो $130 के ऊपर निकल चुका है, WTI जल्द ही $135 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है और हमें लगता है कि अगर $135 के ऊपर निकलता है मार्केट तो $150 के आसपास सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। और अगर स्थितियां और ज्यादा खराब हुई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्रूड $200 से लेकर $300 के भी जो टारगेट आ रहे हैं मार्केट में वो अचीव होते हुए दिखाई दे। तो आप सोचिए जब अगर $200 क्रूड हो जाएगा तो क्या स्थिति देश की होगी, इकोनॉमी किस तरीके से रिएक्ट करेगी,
काफी स्थिति जो है वो गंभीर होती हुई दिखाई देगी। जो टारगेट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर और जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है डिमांड और सप्लाई को लेकर वो काफी चिंताजनक है, और ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि अभी प्राइसेस के अंदर कहीं से कोई ईज ऑफ आता हुआ दिखाई नहीं देगा। जब तक रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में कुछ भी समझौता नहीं होता तब तक बाजारों में लगातार उछाल बना रहेगा। जी रूपा जी, इसे रुख करें अगर आप बेस मेटल्स की कीमतों की तरफ, तो बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं कि शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। कल के कारोबारी सत्र में हमने एक ऐसा बेस मेटल था रूपा जी जिसमें सबसे शानदार बढ़त आते हुए देखी, वो था निकल। निकल को हमने लंदन मेटल एक्सचेंज पर $1,00,000 प्रति टन के भी पार कारोबार करते हुए देखा, जिसकी वजह से LME वालों को उसका जो वायदा था उसको सस्पेंड करना पड़ गया। हालांकि अभी जो सस्पेंड कब तक के लिए किया गया है अभी वो तय नहीं किया गया है, ऑफिशियली ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन सस्पेंड हो चुका था। रूपा जी आपको क्या लगता है, ये जो निकल में लोगों ने इतनी शॉर्ट पोजिशन बना रखी थी बल्क के अंदर, सबको लग रहा था कि निकल के अंदर गिरावट आएगी, लेकिन यहाँ पे ठीक उसका उल्टा देखने को मिला, आपको क्या लगता है? जिस हिसाब से LME पर निकल बैन किया गया है तो क्या उसका असर MCX निकल पर भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि हम टेक्निकली चार्ट पैटर्न की तरफ देखें तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स कहते हैं कि दोनों का ही जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम है, और कल को हमने निकल को 4,000 के ऊपर ट्रेड करता देखा था, आज 3,500 के लेवल्स पर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या निकल भी यहाँ से अब गिरावट दिखा सकता है? देखिए बिल्कुल अब यहाँ से गिरावट बन सकती है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जब तक कीमतें स्टेबल नहीं होती तब तक के लिए बैन लगा दिया गया है फिलहाल, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट पर भी कल अच्छी गिरावट आई थी और आनी भी थी, क्योंकि लगातार इस तरीके का हमने प्राइसेस में कभी भी मूवमेंट आते हुए हिस्टोरिकली नहीं देखा है किसी भी कमोडिटीज के अंदर। जिस तरीके की कल मूवमेंट हमें 1-2 ट्रेडिंग सेशन में निकल के अंदर देखने को मिली है, जो भी इसका पीछे चाहे रीजन रहा हो, लेकिन जो कीमतें थी वो जबरदस्त उछाल के साथ 100% का उछाल देखने को मिला किसी कमोडिटी में। तो आप समझिए जिन लोगों ने छोट पोजीशन ले रखी होगी उनके लिए कैसे दिन रहे होंगे दो दिन, और अभी जो बाजार है अभी यहाँ से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से एक्सपेक्टेड भी है कि मार्केट जो है अब थोड़ा सा डाउन साइड में जा सकता है, और जब तक कीमतें स्टेबल नहीं होती तब तक LME तो फिलहाल नहीं लगता है कि इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, और उसके बाद जो है कीमतों में फिर से उछाल आएगा, लेकिन इतना उछाल नहीं बनेगा। बाजार अभी भी तेजी की तरफ है, जबकि क्राइसिस के चलते और जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है डिमांड बढ़ सकती है, तो उसके मद्देनजर तेजी तो बाजारों में बनी रहेगी, चाहे वो बेस मेटल्स हो, क्रूड हो या फिर सोना चांदी, यानी कि नॉन एग्री कमोडिटीज, सभी कमोडिटीज में उछाल दर्ज किया जाएगा। और अभी के लिए शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बेस मेटल में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन उस करेक्शन के अंदर भी बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। निकल फिलहाल मुझे लगता है कि जो स्टेबल होगा वो 2,800-2,500 के आसपास स्टेबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, हमने कॉपर में भी तेजी आते हुए देखी है, इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर आज तो $4.7 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन दो ट्रेडिंग सेशंस पहले हमने कॉपर को $5 के भी ऊपर ट्रेड करते देखा था, और वायदा में भी जो कॉपर है वो भी 860-850 के आसपास ट्रेड करता नजर आ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या कॉपर यहां से 900 या 900 पॉइंट के ऊपर की तेजी दिखा सकता है, क्या नए हाइज बना सकता है कॉपर? देखिए बिल्कुल कॉपर में एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है, और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी 860-880 तक कॉपर एक बार टच कर सकता है, और विदेशी बाजारों में भी उछाल दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि आगे चलकर इन सब चीजों का डिमांड जो है वो पिकअप होता दिखाई दे सकता है और कीमतों में उछाल बन सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर स्टील की, तो स्टील के प्राइसेस में हमने अचानक से उछाल आते हुए देखा है। खबरें हैं कि जो रशिया है, रशिया में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से स्टील का जो कीमतें हैं उनमें तेजी देखने को मिली है, क्योंकि रशिया स्टील की ग्लोबली खपत, जो रशिया है पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को 10% की स्टील प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में रूस पर प्रतिबंध और ऊपर से स्टील की कीमतों का इतना बढ़ जाना, तो आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में ये जो स्टील में खपत आई है उसका असर रियल एस्टेट पर, कंस्ट्रक्शन पर और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए फिलहाल के लिए जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है तो इसका असर सभी सेक्टर के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो या फिर
हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रिकल सेक्टर की बात करें, तो इनफैक्ट अभी जो प्राइजेस जो देखने को मिल रहे हैं, देखिए सभी सेक्टर्स के ऊपर इसका असर आता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट कारण तो यही है कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो सभी चीजों के ऊपर इसका एक तो असर सीधा आता हुआ दिखाई देगा, और दूसरा जिस तरीके से बेस मेटल्स की डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है, काफी कंट्रीज ऐसी है जो प्रोडक्शन अभी कारों जो व्हीकल्स है उनका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी सप्लाई नहीं मिल पा रही है, काफी स्थितियां ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके मद्देनजर अभी फिलहाल जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर ये युद्ध और ज्यादा गहराता है, अनसर्टेनिटी और बनती है दूसरे देश, क्योंकि कल भी मैं एक खबर पढ़ रही थी उसमें भी था कि चाइना ने भी ताइवान पर पता नहीं किसी एक कंट्री के ऊपर जो है वो अटैक का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अभी ऐसी और अगर कोई स्थिति गंभीर होती है तो आप सोचिए सभी देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका असर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल के लिए बाजारों में तेजी का रुझान बना रह सकता है और इन स्तरों पर बाइंग भी काफी रिस्की रहेगा। किसी भी कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसको अच्छे से नॉलेज लेना, उसका और न्यूज के ऊपर पूरा अपना ध्यान रखना चाहिए, और उसके साथ साथ सिक्ली स्टॉप लॉसेस के साथ आप किसी भी कमोडिटीज के अंदर पोजीशन बनाकर सो। जी रूपा जी, दर्शक का सवाल आ रहा है कि सिल्वर में अभी क्या करें, सिल्वर में अभी क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या इन लेवल्स पर खरीदारी में रहा जा सकता है? देखिए बिल्कुल थोड़ा सा भी बाउंस डाउन साइड आए तो आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमें लग रहा है 75,000 तक के टारगेट अभी एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर दिखा सकती है। अभी 72,000 के अराउंड चल रहा है आज, तो मुझे लगता है कि 75,000 से 80,000 तक की तेजी इसके अंदर बन सकती है, लेकिन वहीं करेक्शन भी आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपका होरिजन लंबा होना चाहिए, और दूसरा डिप पे आप बाइंग करें और एक सिकली स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, नॉन एग्री में आप टॉपिक्स किसे देना चाहेंगी जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देख रहे हैं कि सारी की सारी नॉन एग्री कमोडिटीज आज अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है। देखिए अभी सोना चांदी और कच्चा तेल मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, अभी भी इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाकर डिप पर थोड़ा सा भी करेक्शन आए उसमें बाइंग करके चल सकते हैं। सोना 56,000 यानी कि नया रिकॉर्ड छूता हुआ नजर आ सकता है, चांदी 75,000 तक जा सकती है ऊपर में, और कच्चा तेल मुझे लगता है कि 10,000 तक के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की,